नमस्कार। आज हम अपने दर्शकों के सामने एक विशेष परिचर्चा लेकर आए हैं। अभी एक घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया है, जिससे जम्मू कश्मीर की गठबंधन सरकार गिर गई है और महबूबा मुफ्ती ने अपने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। हमारे साथ हैं इंडिया न्यूज़ के पत्रकार, सिरसा के वरिष्ठ पत्रकार अमर सिंह जानी जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे इसके अर्थ क्या हैं, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे और देश की राष्ट्रीय राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। अमर सिंह जी, आज जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक पीडीपी से समर्थन वापस लिया है, तो उसके क्या मायने हैं? देखिए भाटे जी, धन्यवाद सबसे पहले। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भाजपा ने फैसला लिया है, ये काफ़ी अच्छा फैसला, देर से लिया फैसला है, यानी मैं ये कहूँगा देर से लिया गया एक अच्छा फैसला है। क्योंकि जिस प्रकार से जो कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के जो हालात हो रहे हैं, वहाँ जिस तरह से उग्रवाद बढ़ता जा रहा था और जो वहाँ की पीडीपी सरकार थी, पीछे रमजान के अंदर जो भाजपा ने जिस तरह सीज फायर का जो आदेश दिया था, उसमें जो ज़्यादा जो आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ी और यही कारण रहा कि इससे भाजपा कहीं ना कहीं नाराज़ थी। ना केवल भाजपा, देश के लोग, आम अगर लोग की बात करूं तो सब लोग इसे नाराज थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते सबसे पहले एक सैनिक भी हूं, 15 साल एयरफोर्स में नौकरी की है। उस नाते जिस तरह से वहाँ कश्मीर के हालात थे, जब पत्थरबाजी सैनिकों पर होती थी तो खून खोलता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब एक एक्स सर्विस मैन का खून खोलता है तो जहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, वहाँ जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनके किस तरह से मोरल पर असर पड़ता होगा। तो ये जो फैसला लिया गया, एक अच्छा फैसला लिया गया है, क्योंकि वहाँ हालात ख़राब हो चुके थे। अब जहाँ तक अभी आगे इफेक्ट की बात करेंगे, आगे आने वालों में अलग अलग समीकरण बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि भाजपा एनसी के साथ जाके गठबंधन बना के सरकार बना सकती है, लेकिन ऐसा होना हो नहीं सकता। आपको मैं थोड़ा सा इसमें टोकूंगा। हम दर्शकों को सबसे पहले वस्तु स्थिति से जानकारी दे दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो 87 सीटों पर आधारित है और 2 दिसंबर 2014 में जो चुनाव हुए थे, और एक जानकारी और भी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे, जहां देश में 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं, वहां जम्मू कश्मीर में 6 वर्षों के लिए विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो 87 सदस्यों में से 28 सीटें लेकर पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 25 सीटें जम्मू कश्मीर में मिली थी। एनसीपी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो फारूक अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला जी की पार्टी है, उसको 15 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 12 सीट मिली थी और 7 अन्य छोटी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। उस समय शायद भाजपा की ये मजबूरी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो दो हिस्से माने जाते हैं, वैली और जम्मू, जम्मू में भाजपा ने लगभग सफाया किया था, उसको अधिकांश सीटें जम्मू की जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी और जो वैली की सीटें हैं वो अधिकांश सीटें पीडीपी जीती थी। तो शायद उस समय भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की ये मजबूरी थी कि दोनों रीजन को साथ लेके चलना है, तो दोनों पार्टियां पहली बार आई, जबकि दोनों पार्टियों की जो विचारधारा थी, जहाँ पीडीपी को ये माना जाता है वो आतंकवादियों के साथ, या जो सॉफ्ट आतंकवादी हैं, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, अक्सर उसकी वो समर्थन करती है, जबकि भाजपा इन ताकतों के विरुद्ध थी और देश भर में ये कंपेन चलाए हुए थे। तो 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद एकाएक जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अब समर्थन वापस लिया है, तो हम इस पर 2 बातें करेंगे। आगे की संभावनाएँ क्या हैं और इसका देश पे और सेना पे क्या असर होने जा रहा है? देखिए भाटी जी, सबसे पहले ये कहेंगे कि ये गठबंधन टूटने की जहाँ तक नौबत आई, ये सबसे जो बड़ा कारण यही था कि जो सीज फायर जो रमज़ान के दौरान दिया गया, और उसके बाद अचानक सीज फायर जो ख़त्म करने के बाद जो पहले दिन जिस तरह से सेना को खुले हाथ देने के बाद 4 आतंकी ढेर किए, तो इसमें कहीं ना कहीं जो पीडीपी है या मुफ्ती महोदय है, वो कहीं ना कहीं इसमें सहमत नहीं थी, कहीं ना कहीं उसको इतना जो फ्री हैंड देने के तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है। आपने ये कहा कि भाजपा 3 साल तक किया, इसकी उसकी मजबूरी थी, लेकिन उस समय हो सकता है मजबूरी थी, लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह से हालात ख़राब होते जा रहे थे, भाजपा समर्थन पहले वापस ले सकती थी। लेकिन अब आगे अगर मैं ये कहूँ कि अगर पार्टी बात करें,
तो इस फैसले से जो आम लोग हैं वो खुश हुए हैं और भाजपा को कहीं ना कहीं इसका आने वाले चुनाव में फायदा पहुंचने को मिले। निश्चित रूप से, क्योंकि भाजपा ने कोई भी राजनीतिक पार्टी है तो वो अपनी भविष्य की राजनीति को देख के निर्णय लेती है। हो सकता है भाजपा को देश के 2019 के चुनाव दिखाई दे रहे हों, और जिस ढंग से पूरे देश में भाजपा की बदनामी हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस ढंग से बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन वो चीज़ें धरातल पे जम्मू कश्मीर में उससे दूर थे, तो शायद उन्होंने जैसा आपने कहा देर से लिया गया निर्णय है और सही निर्णय है। लेकिन जानी साहब, क्या भविष्य में क्या देखते हैं, क्या केवल राष्ट्रपति चुनाव होगा, राष्ट्रपति शासन होगा, या कोई इसमें सरकार बनने की और संभावनाएं दिखाई देती है? देखिए, सरकार बनने की संभावना अगर भाजपा एनसीपी के साथ जाती है तो संभावना बनती है, कुछ निर्दलीय साथ बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा फैसला बीजेपी लेती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही घातक फैसला साबित होगा, क्योंकि अब बीजेपी के पास केवल जो आतंकवादी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर करके उन आर्मी को फ्री हैंड दे करके ये सबसे बड़ा मौका है, और इसका फायदा आने वाले चुनाव में इनको मिल सकता है। अगर फिर एक बार कश्मीर में जोड़ तोड़ की राजनीति सरकार बनती है तो उस सरकार से जो आतंकवादी है उनका मनोबल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आतंकवाद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और अब बीजेपी अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है और किसी भी जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनती है तो निश्चित रूप से आर्मी को फ्री हैंड दे दिया जाए, और जो आतंकवादी, जिस तरह से पंजाब में केपीएस गिल ने फ्री हैंड दिया था, केपीएस गिल ने काफ़ी लोगों को जो आतंकवाद में घुसे हुए थे लोगों को समर्थन लिया था। और एक बात मैं इस बीच में और बताना चाहूँ कि जिस तरह से कश्मीर में जो पत्रकार की हत्या हुई थी उसके बाद जिस तरह से उसके जनाजा में लोग शामिल हुए थे तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वहाँ के लोग भी धीरे धीरे आतंकवादियों के खिलाफ होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से इतने लंबे समय से जो आतंक के साए में जो लोग, आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो दुकानदार है, जो मेहनत करता है, तो कश्मीर के लोग पूरी रूप से भारत के खिलाफ हैं ये बात नहीं कही जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी को ने एक मौका लिया है और निश्चित रूप से अगले आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अमर सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।